जी हाँ साथियों नमस्कार, आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और आज अपनी ये मारवाड़ राठौर राजवंश की शायद चौथी क्लास रहेगी और इसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे रामचंद्र सेन से लेके गजे सिंह प्रथम तक का इतिहास। और इससे पहले राव मालदेव वगैरह जोधा सब पढ़ चुके हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि मेरी क्लास चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब करना। आप लोग जो भी क्लास देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक शेयर करना जरूर। और चलते आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आज अपन पढ़ेंगे राव चंद्र सेन। क्या पढ़ेंगे? राव चंद्र सेन। रावचंद्र सेन ये मालदेव के पुत्र थे, पिता मालदेव शुरुआती इनकी कहानी बता देता हूं। मालदेव के समय मालदेव और इनके भाई राम और मोटा राजा उदय सिंह, इनके मध्य क्या होता है? उत्तराधिकार युद्ध होता है। राज्य को लेके उत्तराधिकार युद्ध होता है। और उत्तराधिकार युद्ध में ये जो अकबर होता है इनका फायदा उठाता है। और उस समय इनका फायदा उठाने के लिए अकबर उत्तराधिकार युद्ध भाइयों के मध्य युद्ध लड़ाई जा रहा था, तो आपको मालूम ही है पड़ोसी तो फायदा उठाएंगे। तो उस समय अकबर ने हुसैन कुली खां, अकबर का सेनापति था जिसका नाम था हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में 1564 के अंदर रामचंद्र सेन के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजता है। तो फिर क्या होता है, रामचंद्र सेन राम को और भाई उदय सिंह को लोहाट की युद्ध में हराता है। और उसके बाद में आगे की कहानी शुरू होती है। पिता मालदेव इनके भाई थे, भाई राम और उदय सिंह। इनको उत्तराधिकारी युद्ध होता है, इसमें उत्तराधिकारी युद्ध होता है। लोहाट के युद्ध में उदय सिंह को हरा देते हैं। कौन सी युद्ध में? लोहाट के युद्ध में उदय सिंह को हरा देते हैं। उसके बाद में क्या करता है, उत्तराधिकारी युद्ध का फायदा उठाते हुए अकबर मुगल बादशाह अकबर वहां तैयार ही होता है। और ये लोग क्या करते हैं, इन चीज का ही इंतजार करते हैं कब घर में फूट हो और कब हम लोग फायदा उठाए। घर में फूट पड़ने से पड़ोसी फायदा उठाएगा, ये तो आपको भी मालूम है। अकबर ने 1564 के अंदर क्या किया, इस पर एक हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में क्या करता है, सैनिक अभियान भेजता है। किस पर? रामचंद्र सेन पर सैनिक अभियान भेजता है। फिर आगे क्या होता है, एक नागौर दरबार का आयोजन होता है। नागौर दरबार का आयोजन 1570 के अंदर अकबर के द्वारा करवाया जाता है। और उस समय इसका आयोजन करवा के अकबर ने एक तालाब का निर्माण करवाया था। उस तालाब का नाम था शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो 1570 के अंदर जो नागौर दरबार का आयोजन करवाया, इसके अंदर सभी राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन था। मतलब
इसमें शामिल होने वाला प्रत्येक राजा अकबर की अधीनता स्वीकार करेगा। तो उसमें शामिल होने वाले मुख्य रूप से जो राजा थे वो बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के आर राय, ये राम, ये उदय सिंह मोटा राजा, और इसके अलावा अपने राव चंद्रसेन, अपने पुत्र राज सिंह सहित दरबार में उपस्थित हुए थे। तो सब राजाओं ने अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राव चंद्रसेन एकमात्र ऐसे राजा थे मुगल दरबार में, जो 1517 का जो दरबार आयोजित हुआ था इसमें शामिल होने वाले राजाओं में एकमात्र राजा थे राव चंद्रसेन, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो फिर क्या किया, ये राव चंद्रसेन वहां दरबार को ऐसे ही सलामत छोड़ के वहां से चले जाते हैं भद्राजून, और भद्राजून के बाद में ये सिवाणा चले जाते हैं। इसीलिए सिवाणा को राजपूत राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। राजपूत राजाओं की संकटकालीन राजधानी पूछे तो सिवाणा थी, और सिवाणा को ही जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो राव चंद्रसेन वहां से सिवाणा आ जाते हैं, और उसके बाद में राव चंद्रसेन वहां से कहां चले जाते हैं, मेवाड़ चले जाते हैं। और मेवाड़ में बांसवाड़ा के राजा होते हैं प्रताप सिंह उस समय, और प्रताप सिंह राव चंद्रसेन को सहायता पहुंचाते हैं, उनका सम्मान पूर्वक तरीके से उनका सम्मान करते हैं, उनको शरण देते हैं। और पीछे ऐसे में ही वापस अकबर राव चंद्रसेन का पीछा करता है और वापस सैनिक अभियान शुरू करता है। शाहजहाँबाद और प्यादे खां इसके नेतृत्व में अकबर क्या करता है, सैनिक अभियान भेजता है राव चंद्रसेन के विरुद्ध। तो ऐसे राजाओं में राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दो गिने जाते हैं जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। थेट तक राव चंद्रसेन ने मुगलों का विरोध किया था, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और उसके बाद में राव चंद्रसेन वहां से चलकर कहां आते हैं, कोटड़ा उदयपुर के अंदर एक शहर पड़ता है, कोटड़ा उदयपुर आते हैं। और फिर ऐसा माना जाता है कि दूधाड़ा में बेरीसाल के घर खाने के अंदर जहर देने से राव चंद्रसेन के मृत्यु हो जाती है, उनका वहाँ देहांत हो जाता है। तो राव चंद्रसेन की वहीं पर सत्री बनी हुई है, जो सच्चाप गांव पाली के अंदर राव चंद्रसेन की सत्री बनी हुई है। तो आइए आगे चलते हैं और लिखते हैं। राव चंद्रसेन फिर एक नागौर दरबार का आयोजन होता है। नागौर दरबार का आयोजन होता है, ये होता है 1517 के अंदर अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है। अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है, और आयोजन करवा के इन्होंने क्या किया, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। और फिर इनमें शामिल होने वाले राजा बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर राय, जैसलमेर के हर राय
और राम उदय सिंह और राजेंद्र सेन, राजेंद्र सेन पुत्र राय सिंह सहित आए, पुत्र राय सिंह सहित आए थे यहाँ पे। फिर रावचंद्र सेन यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, रावचंद्र सेन यहाँ से कहाँ आते हैं, भद्राजुम चले जाते हैं, भद्राजुम। और भद्राजुम से फिर आगे ये चले जाते हैं सिवाना, सिवाना में कुछ समय यहाँ रहते हैं, इसीलिए सिवाना को राजपूत राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहलाती है, और इसी सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। फिर यहाँ से रावचंद्र सेन भाग के कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़ चले जाते हैं, और मेवाड़ के अंदर बांसवाड़ा के राजा प्रताप सिंह इनकी सहायता करते हैं, डूंगरपुर के आश्रय इनकी सहायता नहीं करते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। डूंगरपुर के आश्रय इनकी सहायता नहीं करते, ओके। उसके बाद में अकबर क्या करता है, अकबर रावचंद्र सेन पर सैनिक अभियान भेजते हैं, कौन भेजता है अकबर, किनके नेतृत्व में जलाल खान, शाहबाद खान, और प्यादे खान इनके नेतृत्व में क्या करता है अकबर, वापस रामचंद्र सेन पर सैनिक अभियान भेजता है। और उसके बाद में रामचंद्र सेन कहाँ चले जाते हैं, कोटड़ा ये पड़ता है, यहाँ चले जाते हैं। उसके बाद में इनकी क्या करते हैं, दूधाड़ा में बेरीसाल के घर खाने में जहर देने से इनकी मृत्यु हो जाती, ध्यान हो जाता है यहाँ पे। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इनकी सत्री, रामचंद्र सेन की सत्री सच्चा पाली के अंदर बनी हुई है, ये बात है। और एक बात ध्यान रखनी है कि इन्होंने जूनागढ़ हर्राय को 1,00,000 पदिया मुद्रा में
फील्ड पे दे दिया। ओके, ये चीज इनको ध्यान में रखना। ये बात हुई राव चंद्रसेन के बारे में, और राव चंद्रसेन के जो उपनाम थे, राव चंद्रसेन को राजपूत राजाओं का आदर्श कहा जाता है। राजपूत राजाओं का आदर्श कहा जाता है। मारवाड़ के प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ के प्रताप, प्रताप के अग्रगामी। और इनको भूला बिसरा, भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। इस तरीके से रावचंद्र सेन का ये पूरा होता है इतिहास। पूरा पूरा लिख देना, स्क्रीनशॉट मार लेना, पूरा पूरा सही तरीके से कॉपी के अंदर। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आगे अपन पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बारे में जानकारी अपन को मिलती। एक चीज का ये आप नोट कर लेना, राव चंद्र सेन का जो काल था वो 1562 से 81, ये ठीक है, और 81 से 83 तक जोधपुर खालसा रहा था। क्या रहा था? खालसा रहा था। आगे चलते हैं मोटा राजा उदय सिंह। मोटा तो बोला ही होया, बना कामरा तो निया, ठीक है, मोटा बोला ही होया, कामरा निया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मारवाड़ के प्रथम ऐसा राजा थे मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करके इन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई, मानमती, जगत गुसाई, जिनका विवाह इन्होंने अकबर के पुत्र जहांगीर से करवा दिया था। मोटा राजा उदय सिंह कौन? मोटा राजा उदय सिंह, इनका कार्यकाल 1583 से 1595 तक रहता है। इन्होंने, इनको मोटा राजा की जो उपाधि, मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर ने 1000 का मनसब दिया था। मुगलों के द्वारा जो सम्मान दिया जाता था उसको मनसब कहा जाता है। 1000 का मनसब और मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी उदय सिंह को। और उसके बाद में उदय सिंह ने क्या किया, ये प्रथम मारवाड़ी राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों की अधीनता
स्वीकार की। इन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई मानमती, इन्हीं के नाम है ठीक है, अलग अलग मानमती जगत गुसाई, इनका विवाह इनके साथ में करवाया था, इनका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से करवा दिया था, इनके समय मारवाड़ में मुगल सिक्के चलाए गए, और इसी के समय मारवाड़ में सर्वाधिक मुगल चित्रकला का विकास हुआ, प्रभाव पड़ा। मोटा राजा उदय सिंह के समय सर्वप्रथम मलीनाथ पशु मेले की शुरुआत की थी, ये जानकारी मिलती है मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे राव सूर सिंह, राव सूर सिंह के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। राव सूर सिंह इनका शासनकाल रहता है यहाँ 1595 से 1616। इनको अकबर सवाई राजा की उपाधि देते हैं। सवाई राजा सूरसिंह, इनके भाई, किशन सिंह, ये किशनगढ़ में राठौर राजवंश की स्थापना करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने योग्य, इन्होंने रण रावत तथा फौज श्रृंगार
भोज श्रृंगार हाथी गिफ्ट किए थे किनको दे दिए थे? भोज श्रृंगार हाथी जहांगीर को दिए दिए थे, जहांगीर को दिए थे। ठीक है, ये बात, ये सूर सिंह के बारे में। उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे गजय सिंह प्रथम, गजय सिंह प्रथम, लाहक पसाव, अन्नारा बेगम, अन्नारा बेगम, लाहक पसाव, दल थम्बन, जहांगीर है और अन्नारा की बावड़ी जोधपुर के अंदर, केशवदास गाजड़, हेम कवि सूरी है, इनके दरबारी कवि थे। बस इतना ही है और तो क्या। गजय सिंह, अन्नारा बेगम के कहने पर जसों सिंह फेस्ट को उत्तराधिकारी बनाया था। आगे पढ़ते हैं, राव राव गजय सिंह प्रथम, इनका शासनकाल रहता है 1616 से 32 तक, 16 गुणा 32।